हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक है। पी क्यू के बीच की दूरी 10 दी गई है। पी क्यू के बीच की दूरी 10 दी गई है, जबकि पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक हमें ये दिए गए हैं। हम सबसे पहले दूरी वाला रूल लगा लेंगे पी क्यू के ऊपर। दूरी का फार्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर। अब हम यहाँ देख लेंगे एक्स वन वाई वन क्या है, एक्स टू वाई टू क्या है, और उनके मान इसमें भर देंगे। एक्स टू 10 माइनस एक्स वन 2, वाई टू, वाई टू हमें वाई दिया गया है, तो वाई माइनस वाई वन है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। ये 10 में से 2 गया 8 का स्क्वेयर, और अब हम इसका स्क्वेयर का फार्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर प्लस 2 वाई 3। क्या होता है स्क्वेयर का फार्मूला जब खोलते हैं? ए प्लस बी का स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। हमने यही फार्मूला इसमें यूज़ किया है। 10 में से 2, 8 का स्क्वेयर, ये तो सिंपल ही है। इसका a का स्क्वेयर यानी y स्क्वेयर 3 स्क्वेयर प्लस 2ab। अब हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे। 8 का स्क्वेयर 64, y स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 थी 6y। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाई स्क्वेयर है, 6y है, और क्या है साथ में 64 और 9 73। अब पी क्या हुआ हमें किसके इक्वल दिया गया? 10 के, तो हम ये भी पी क्या हुआ है तो इसको 10 के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इस तरफ वर्गमूल है, स्क्वेयर रूट है, इस तरफ नहीं है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी वर्ग दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। जहाँ भी अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वेयर से, ये आ गया 10 का स्क्वेयर बन जाएगा 100। वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 है, तो 100 इधर जाके माइनस का 100 बन जाएगा। वाई स्क्वेयर प्लस 6y 73 माइनस 100 कितना बन जाएगा? माइनस 27। अब ये हमारी द्विघात समीकरण है, इसके अंदर हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड में हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए जिसके अंदर जोड़ तो संख्याओं का 9 बने, 6 बने। ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 6 और गुना क्या बने? 27। एस यानी जोड़ माइनस 6 और पी गुना माइनस 27। तो ऐसे गुणनखंड क्या बनेंगे? एस जो है प्लस का 6 है और पी माइनस 27 है, तो हम देखते हैं 9 तीय 27 होता है और 9 में से 3 घटाएंगे 6 भी होता है, तो ये इसके गुणनखंड बनेंगे। अगर ये गुणनखंड आपको समझ नहीं आते हैं इस तरह से निकालने, तो हम इसको द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। द्विघाती सूत्र से हम सबके गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, वहाँ आपको द्विघाती सूत्र को कैसे अप्लाई करने हैं उसमें बताया जाएगा। वाई इन दोनों में से कॉमन लेंगे वाई, तो अंदर एक वाई बच जाएगा और यहाँ क्या रह गया? 9 माइनस 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे वाई प्लस 9। फिर से देख लो, वाई अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वाई बचा एक, और इसमें से क्योंकि वाई बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा है? 9। अगर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे वाई बचेगा, और माइनस क्योंकि बाहर ले लिया है, 3 ही में 27 होता है, तो यहाँ पे 9 रहेगा, क्योंकि ये होता है 3 ही में 27, 3 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 9। अब देखो दोनों में वाई प्लस 9 है, वाई प्लस 9 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा वाई माइनस 3। अब क्योंकि हमें वाई की
y का वह मान ज्ञात करना है, तो y का मान निकालना है, तो y प्लस 9 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। y का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस 9, यहाँ से आ जाएगा y का मान 3। तो y का मान हमारा आ गया है, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में y का वह मान ज्ञात करना था जिसके लिए बिंदु P और क्या के बीच की दूरी 10 मात्रक थी। तो P क्या 10 दी थी, P क्या को दूरी सूत्र से हमने सोल्व कर लिया। यहाँ आपको एक द्विघाती समीकरण आ गई जिसके हमने गुणनखंड बनाए और 0 के इक्वल रख के y के मान को ज्ञात किया। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। यदि क्या 01 बिंदु पी आर से समदूरस्थ है, क्या जो बिंदु है वो पी से भी और आर से भी, यानी एक बिंदु क्या है वो पी से और आर से समदूरस्थ है, जितनी दूरी क्या की पी से है उतनी ही दूरी आर से है। मान लो अगर ये 5 किलोमीटर है या तो ये भी 5 किलोमीटर है, तो ये दोनों दूरियां बराबर हैं। क्या के पॉइंट हमें ये दिए गए हैं 01, पी के पॉइंट्स नोट कर लिए हमने, आर के एक्स नोट कर लिए हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकी दूरी समान है, तो हम सबसे पहले क्या ओपी निकाल लेंगे। क्या ओपी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, दूरी वाला जो फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो उसमें x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो हमने क्या ओपी निकाला है, तो इसको x1 y1 लिख के x2 y2 लिख के आप उस तरह से वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। अगर वैसे आपको ऐसे करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ेंगे कितना आ गया वर्गमूल 41। ऐसे ही हम क्या आर भी निकाल लेंगे। क्या आर निकालने के लिए फिर x1 y1 है ये, और ये क्या है x2 y2। तो फार्मूले में पुट करेंगे x2 माइनस x1 यानी x -0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x-0 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 6 - 1 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब प्रश्न में हमें ये समदूरस्थ दिया हुआ था, क्या पी इक्वल टू पी क्या आर दिया था। क्या पी हमने जब सोल्व किया तो √41 वर्गमूल 41 आया है, और क्या आर एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया है। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये 41 एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया। अब हम यही करते हैं कि संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं, तो 41 की तरफ 25 को इधर लेके जाएंगे तो -25 हो जाएगा, 41 - 25 16 आ जाएगा। अब हमें यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको भी स्क्वायर में बनाएंगे। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर भी होता है, -4 का भी स्क्वायर होता है, इसीलिए हमने प्लस माइनस किया है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक होती है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको पता है 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, इसीलिए हम इसको प्लस माइनस इस तरह से निशान लगाते हैं। अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा +-4। हमें x का मान ज्ञात करना था, एक पार्ट तो हमारा ये हो गया था, सोल्व हो गया ये, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दूरी क्या आर भी निकालनी है। क्या आर हमने यहाँ निकाल ली है, क्या आर हमारी दूरी एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गई है। अब x के दो मान है, x एक बार 4 है, x 4 है, तो आर क्या है, x 6 है, तो ये क्या बन जाएगा 4 6। x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह 4 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 4 6। एक बार x को -4 भी रखेंगे क्योंकि x की दो वैल्यूज आई हैं आपकी, तो -4 रखेंगे तो r आ जाएगा -4 6। क्या r तो हमने पहले ही सोल्व किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, उसके अंदर x की वैल्यू हमने 4 पुट की, तो
तो चार स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 16, 16 में 25 गया, जोड़ा 41। वैसे भी इसके बराबर था ही, ठीक है, ये आना ही था, ये 41 है तो इसमें भी करके आना ही था। माइनस चार पुट करेंगे तो माइनस चार का स्केयर भी 16 हो जाएगा, तो ये भी इतना आ जाएगा। एक हमें दूरी और क्या क्या हुआ आर के साथ, हमें पी आर भी पूछा है, पी आर की दूरी, पी के पॉइंट क्या है, पी के पॉइंट है 5 माइनस 3 और आर के क्या है एक्स 6। एक्स का मान एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार माइनस 4 रखेंगे। पी के पॉइंट हमें पता है, आर के पॉइंट पता है, आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार हम एक्स को माइनस 4 रखेंगे, इस तरह से हम दो वैल्यू निकाल लेंगे पी आर की वैल्यू। पी के पॉइंट क्या है, 5 माइनस 3 दिए हुए हैं, आर के 4 6 हो गए जब हमने एक्स की वैल्यू 4 ली है, तो इससे हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया है, 4 माइनस 5 का स्केयर, एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्केयर,